समाधान करने वाला चाहिए। और यही मकसद है जो हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे युवा साथियों ने सबने मिलकर हमें आदेश दिया था, सबने मिलकर हमें फरमान सुनाया था, भाई अब की बार का चुनाव शीला नब्बे शीला चीनी को अब लड़ाओ। और यकीन मानना, जिस दिन से उनका चुनाव शुरू हुआ है, लगातार न केवल लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, बल्कि जहां पे जा रहे हैं बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, और वो लोग, आप जैसी जनता, मेरी माताएं बहने लगातार समर्थन कर रही है, और आपकी उपस्थिति इस बात का गवाह है। हम सोच के आए थे 15-20 लोगों की मीटिंग का, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति ये दर्शा रही है अब की बात बहादुरगढ़ में ये महिलाएं बदलाव चाहती हैं, ये महिलाएं अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, ये महिलाएं चाहती है इस हलके की आधी आबादी की सुनवाई हो, ये महिलाएं चाहती है जो समस्याएं बहादुरगढ़ में चल रही है उसका समाधान हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो। अगर घर से बाहर निकलेंगे सीवर की समस्या के बाद आपको परिवार पहचान पत्र की समस्या मिलेगी, आपको फैमिली आईडी की समस्या मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी आईडी की समस्या मिलेगी। ये वो समस्याएं हैं जो जनता लगातार झेल रही है, जो लगातार दुखी है, लोग लगातार उसका समाधान चाहते हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इस सरकार ने पिछले 10 साल से आपको लाइन में लगा रखा है, ऐसी सरकार बन गई पूरी जनता को लाइन में लगा दिया। पहले आपको पत्र की लाइन में लगाया, और कुछ नहीं तो नोट बंद कर दिए, मेरी माताओं बहनों ने जोड़ के जो सिक्के रख रखे थे, जोड़ के अपनी पूंजी रख रखी थी, उस नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। उसके बाद नंबर आया बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, उनको प्रॉपर्टी आईडी की लाइन में लगा दिया। प्रॉपर्टी नाम की है, श्याम के नाम करती, वो इसलिए करती कि लोग जब ठीक करवाने के लिए आएंगे तो उससे 5,000 रुपए की रिश्वत को ले आप मान दी गई। आप याद करो, इस बहादुरगढ़ का कोई नेता आपके बीच में नहीं आया, किसी नेता ने जनता की आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई तो केवल नफे सिंह राठी के परिवार ने आवाज उठाई, और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना भी पड़ा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नफे सिंह राठी जी हमारे बीच में आज नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जब आवाज उठाते हो तो सरकार के बहरूपिया कई बार ऐसी कोशिश करते हैं जो उन लोगों ने की, और वो कामयाब इसलिए हुए क्योंकि लगातार नफे सिंह राठी जी आप लोगों के बीच में रहा करते, आप लोगों की आवाज उठाया करते, इस सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोला करते। क्योंकि आदरणीय नफे सिंह राठी जब विधायक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जनता के साथ लिए काम नहीं किया। आप याद करो, जब 2004 से पहले की राज रहा था, आपके घर में अगर पानी का लाइन आया करती, अगर पानी की सप्लाई आया करती, कई बार तो ऐसा देखा हमने, कई गलियों में तो हालात दिए थे बगैर मोटर के पानी अपने आप चल जाया करता, चटा करता कि नीचे क्या करता, मेरी माताएं बहने बताऊंगी, ये हाथ उठा के बता रही है, ये गवाही है कि उस टाइम लोगों का काम हुआ है, उस टाइम जनता को सुविधाएं मिली है। अब यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने अपने टाइम में 9,000 बीपीएल कार्ड बनवाए थे, और आपके इस एरिया में बहुत से हमारे गरीब भाई रहते हैं, बहुत से साधारण लोग रहते हैं, बहुत से ऐसी जनता रहती है जिसको राशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब घर परिवार में कोई रोजगार नहीं होगा तो जाहिर है सरकार से राशन की जनता उम्मीद करती है, और वो राशन कार्ड बीपीएल के कार्ड इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। और 2005 में जब वो हटे, जब सरकार गई तो कांग्रेस ने केक रहा, कांग्रेस ने आपके घर पर पुताई करा के यूं दिखा दिया कि आप गरीब हो, आप राशन लेन लाग रहे हो, और आपके घर पे जान पूछ के बीपीएल का साइन बनवाने का कांग्रेस ने काम किया। और इसके बाद न केवल वहां पे पुताई करवा के ये बताया कि आप गरीब परिवार से हो, बल्कि वो राशन कार्ड काटने भी शुरू कर दिए, और वो राशन कार्ड इसलिए काटे क्योंकि ये बहरूपिया चाहते नहीं थे गरीब लोगों को उनका हक मिले,
गरीब लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके, वो गरीब लोग जिसको जरूरत है उनको सुविधाएं मिल सके। बल्कि हालात इन लोगों ने ये कर दिए, गरीब और गरीब होता गया और अमीर और गरीब अमीर होता गया। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो आपकी जानकारी में जरूर कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा तो सरकारी नौकरी न केवल उनको उनकी मदद सिंह राठी जी ने लगवाई, बल्कि उस परिवार को सक्षम करने के लिए कम से कम एक परिवार का गुजारा एक सरकारी नौकरी उस समय कर दिया करती। उन्होंने 800 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई और उसके बाद उनकी ये सोच थी कि अगर सरकारी नौकरी ना मिल पाए तो मेरे माताएं बहने और मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग किसी पे डिपेंड ना रहे। उन्होंने एक एशिया के सबसे बड़े फुटवियर पार्क की स्थापना की। आप जाते होंगे जब जाखोटा में, आपने देखा होगा एक एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है। माताओं बहनों युवा साथियों, 7000 फैक्ट्रियां उसमें लगी हुई है। वो 7000 फैक्ट्रियों की सोच आदरणीय नफे सिंह राठी जी की थी। आपका कोई ना कोई जानकार वहां पे नौकरी जरूर करता होगा। 1,00,000 बच्चों को नौकरी आज के दिन वहां पे मिली है, वो उनकी सोच का परिणाम था। और अगर बिजनेस नहीं आएगा, अगर बाहर के लोग व्यापार करने अगर नहीं आएंगे तो ना बहादुरगढ़ की तरक्की होगी, ना लोगों को नौकरियां मुहैया कराए होगी। उनकी सोच थी हमारे बहादुरगढ़ के लोग तरक्की करें, उनकी सोच थी लगातार लोगों के बीच में रह के काम करने की। आपको ध्यान होगा बहुत से गांव में स्कूल अपग्रेड हुए, शहरों में भी स्कूल अपग्रेड हुए हैं। जहां स्कूल अपग्रेड नहीं हुए वहां नए स्कूल भी बनवाए गए। और उसके अलावा कानून व्यवस्था की अगर बात करें, मेरे शहर के जितने भी यहाँ पे बैठे हैं शहरवासी, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी ने सोचा तो पिछले 10 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में अगर आपके किसी ने सोचा, आप याद करो दाऊ देवीलाल पार्क को, वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। आप याद करो शहीद भगत सिंह पार्क को, वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। आप याद करो जब बाईपास पे आप चलते हो महर्षि दयानंद पार्क को, वो नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। और उसके अलावा सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और अनेकों कॉलोनियों में जब आप मेले ग्राउंड में जाते हो, सिटी पार्क 1 और सिटी पार्क 2, बहुत से पार्क आप लोगों को देने का उन्होंने काम किया। और उसके बाद हुआ क्या, उन पार्कों की घास के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया। इतना बड़ा घोटाला किया गया, ना तो आज के दिन उन पार्कों में सफाई होती है, ना लोग घूमने जा सकते, क्योंकि इन बहरूपियों की सरकार की सोच ये है कि लोगों को कोई सुविधाएं ना मिले, लोग महरूम रहे सुविधाओं से। इस करके मैं तो यही कहता हूँ, अब 5 साल में अब मौका आया है, 20 साल हो लिए इस शहर को भुगतते हुए और 20 साल हो लिए इस सरकार को भुगतते हुए। सरकार चाहे कोई भी बनी, अगर वो जनहित का काम करते तो हमें यूं आके आपके बीच में बोलना ना पड़ता, हम भी तारीफ करते, लेकिन निकम्मों ने कोई काम ही नहीं किया। इतने नकारा लोग यहाँ पे विधायक रहे, उनके बाद उन्होंने कोई काम नहीं करा। उन्होंने किया है तो केवल भ्रष्टाचार किया है, उसका सबूत आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप याद करो जब हम वहां से मुड़ रहे थे चच्चा रोड से, वहां से वाकर या बाजार में जब हम आते हैं तो जब बारिश थोड़ी सी आ जाती है पूरा बाजार ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा बाजार ओवरफ्लो हो जाता है। सारी मेरी माताएं बहने, जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, सारों को पैदल उसमें से चलना पड़ता है। दुकानदारों को समस्या होती है, दुकानदारों को कोई ग्राहक नहीं आता, और दुकानदारों की तो एक बहुत बड़ी परेशानी आज के दिन बहादुरगढ़ में है। वो परेशानी है दुनिया भर की धमकियां मिल रही है दुकानदारों को, दुनिया भर का पलायन दुकानदार लोग कर रहे हैं। और आप कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती ना तो नफे सिंह राठी जी हमारे बीच से जाते और ना इन दुकानदारों को इतनी समस्या होती। मेरे दुकानदार भाई हैं, हम उनके सुख दुख को समझते हैं, क्योंकि आपके बीच में हम लोग रहते हैं, आपके यहीं से हम आते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। लेकिन अगर ये लोग काम करते तो हम लोगों को आज आपके बीच में आकर ये बोलना ना पड़ता। इन लोगों ने समस्याएं पैदा की क्योंकि ये लोगों ने जनता के लिए काम करने की कभी सोच रखी ही नहीं। चाहे वो गंदे पानी की समस्या हो, चाहे वो पार्क में सुविधाओं का टोटा हो,
चाहे वो सीवर की समस्याएं हो, चाहे वो सिक्योरिटी की समस्याएं हो, चाहे वो कैमरे लगाने का बहाना लेकर 2-2 करोड़ रुपए सरकारी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की बात हो, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। आप इस बात से सहमत हो या नहीं है सहमत हो, जो मेरी बातों से सहमत है हाथ उठा के बताए। ये आम जनता का रिव्यू है, ये कोई पैसे में लाई गई भीड़ नहीं, ये बहादुर की वो आम जनता है, ये वो माला है जो तरह तरह के मोतियों से सजी हुई है। अगर ये तरह तरह के मोती ना हो, तरह तरह की जाति और धर्म और मजहब ना हो, तो वो माला रंगीन नहीं लगेगी। वो माला रंगीन तभी लगेगी, तरह तरह के रंग जब ही सजेंगे, जब आप और हम इकट्ठे हैं। अगर आप हम और आप इकट्ठे हैं तो आप यकीन मानना इस बहादुर का ठीक होने का समय आ गया है। हमारी चाची शीला नब्बे सिंह राठी जी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव कोई एक आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव उस जनता का चुनाव है जो जनता इस सिस्टम से त्रस्त है, जो इस सिस्टम से दुखी है। जिन लोगों की आप शिकायत करते हो, आप नगर परिषद में जाते हो वहां सुनवाई नहीं, आप बिजली डिपार्टमेंट में जाते हो वहां सुनवाई नहीं, वो तो छोड़ो। ये बहरूपिये 2 साल पहले चुनाव में जीते थे और चुनाव में जीतने के बाद इन लोगों ने आज तक वायदा किया था कि बाजार में शौचालय की व्यवस्था कराएंगे। आज तक 2 साल हो गए और 20 साल पिछले चले गए। 20 साल में ये लोग आज तक महिलाओं के लिए शौचालय बाजार में नहीं दिला पाए। इन लोगों की सोच कभी नहीं रही। मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं आप लोगों का धन्यवादी हूँ, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर सहभागिता माने, सबसे ज्यादा अगर मेहनत मांगे माने, तो शीला नफे सिंह राठी जी के लिए इस बहादुर की वो लाखों महिलाएं कर रही है जो आधी आबादी पे, आधी आबादी को अपना वर्चस्व रखती है। मेरी माताओं बहनों, ये समय है बदलाव का और ये समय है अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी चाची, अपनी ताई को चुनाव जिताने का। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। मोनिका राठी चुनाव में 25,000 वोट लेके आई थी और वो वोट आपकी थी। आपसे एक निवेदन है, वो 25,000 की जगह अब की बार चूक ना हो जाए, वो वोट 35,000 कम से कम शहर से बढ़नी चाहिए। और हालात ये हो रखे हैं, पूरे बहादुरगढ़ हलके में अलग अलग गांवों का हम दौरा कर रहे हैं, पूरे बहादुरगढ़ हलके में 60,000 से ज्यादा वोट आने वाली है आपको, 60,000 से ज्यादा वोट। ये अतिशोक्ति नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोग दुखी है, क्योंकि हलके को दुखी करा, क्योंकि लोगों को दुखी करा। मैं बाहर की कोई बाजनबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे सब घर के सदस्य हो, सब आप बातों को जानते हो, जैसे पुराना समय जानते हो और हमने क्या क्या काम किया वो जानते हो। आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। 5 तारीख का चुनाव है और उस 5 तारीख के चुनाव में अब यकीन मानना इस बहादुरगढ़ में एक इतिहास बनने जा रहा है। वो ऐसा इतिहास होगा, केवल आपकी एक महिला एक प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, केवल एक महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी महिला साथी को चुनाव जिताओगे या फिर से किसी ऐसे आदमी को चुनाव जिताओगे जिसने 20 साल से इस हलके की सुध नहीं ली, जिसने 20 साल से कोई काम नहीं किया। मेरी आपसे निवेदन है, जब 5 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाओ, एक बात दिमाग में रखना, क्योंकि अगले 5 सेकंड में जब आप फैसला करने वाले होंगे, आपके 5 साल के भविष्य का MLA तय होगा और वो MLA मुझे यकीन है 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा हमारा चुनाव होगा। और मैं आपसे एक और आदरणीय नफे सिंह राठी जी आज हमारे बीच में नहीं है और हमें आप सब में आदरणीय नफे सिंह राठी जी देखते हैं। हमें खुशी होती है कि आप लोग लगातार परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उस बुरे समय में साथ रहे और आज भी साथ हो और भविष्य में आपका चेहरे की रौनक बता रही है। आप भविष्य में चुनाव जीतने जा रहे हो और वो चुनाव बहादुरगढ़ का इतिहास बदलने जा रहा है। आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूँ। आपके सब्जी मंडी में नजदीक में लगती है सब्जी मंडी, उसमें आप सभी का हाथ जोड़ के निमंत्रण है। एक ऐतिहासिक रैली हम करने जा रहे हैं। एक छोटी सी झलक आपने कुछ दिन पहले देखी थी, उस झलक को ये लोग भुला नहीं पाए जो भ्रष्टाचारी है। लेकिन सब्जी
पश्चिम मंडी में एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। आज तक जितनी बहादुरगढ़ में सभा बड़ी नहीं हुई, सबसे बड़ी सभा करने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं हम। आज सभी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आप सभी को जरूर आना है, सपरिवार आना है, सभी दोस्तों के साथ आना है, सभी सखियों के साथ आना है, सासू जितनी है उनमें सभी बहुआ के साथ आना है, मेरी जितनी चाची है मेरी ताइया के साथ आना है। अब सबसे निवेदन है कि 1 तारीख को कृपया करके जरूर सब्जी मंडी में आना है, और आपकी उपस्थिति ये तय करेगी कि अब की बार 5 साल का एमएलए आपकी बहन बनेगी। आपकी उपस्थितियां आप उठा के मुझे बताओ, मैं आप लोगों का विश्वास चाहता हूँ, कौन कौन रैली में आएगा, ये आपकी उपस्थिति गवाही है उस आने वाले इतिहास को बदलने की। और वो इतिहास पूरी जनता नहीं, पूरा हरियाणा याद रखेगा कि बहादुरगढ़ ने ऐसा बदलाव किया था जो आज तक किसी हलके ने नहीं किया। और आप यकीन मानना, ये क्षण हमारे लिए भावुक भी है और हमारे लिए संघर्षशील भी है, हमें संघर्ष भी करना है और आप लोगों के साथ आगे की कार्रवाई भी करनी है। मुझे पता है सारी मेरी चाची ताई माताएं बहनें खाना बनाने के लिए देरी हो रही है, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय हमारी चाची शीला नब्बे सिंह राठी जी को आमंत्रित करता हूँ। और धन्यवाद भी हूँ आप लोगों को। इससे पहले पूर्व पार्षद धनपत जी का परिवार काम सौ रुपए से श्रीमती आपका भी मैं